हमेशा अपनी कलाकृति को लेकर चर्चा में रहने वाले बालू का कलाकार सुदर्शन पटनायक ने उड़ीसा के पुरी में समुद्र तट पर लगभग 5,400 लाल गुलाबों के साथ सांता क्लॉस की विशाल कलाकृति तैयार की। सुदर्शन पटनायक ने यह कलाकृति क्रिसमस की पूर्व संध्या पर तैयार की थी। इसमें कलाकार सुदर्शन ने संदेश देते हुए लिखा कि मैरी क्रिसमस, कोविड-19 दिशा निर्देशों के साथ क्रिसमस का आनंद ले। कलाकार सुदर्शन ने रेत से बने सांता को लाल गुलाब और अन्य फूलों की मदद से सजाया। हम लोग क्रिसमस के टाइम स्पेशल सैंड स्कल्पचर क्रिएट करते हैं और इस बार ये हमारा स्पेशल सैंड स्कल्पचर है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ा सैंड और रोज का ये इंस्टॉलेशन आर्ट फॉर्म है जो स्पेशली सांता क्लॉस क्रिएट किया गया है। इसमें 5,400 रोज यूज़ हुआ है और इसमें गुलाब की फूल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुआ है और स्पेशली इसमें ये मैसेज है कि क्रिसमस को हम लोग एंजॉय करें बट उसके साथ कोविड गाइडलाइन को पालन करना बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए। और उसके साथ हम लोगों ने इसका जो लॉन्ग है 50 फीट लॉन्ग है इस स्कल्पचर का और 15 फीट हाइट है, उसके साथ 28 फीट इसका वाइड है इस स्कल्पचर का। स्पेशली हम लोग हर साल की तरह इस साल ये स्कल्पचर्स हम लोगों ने क्रिएट किया है। मैं मेरे साथ जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं सब लोगों ने मिलकर इसको स्पेशल स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं कोविड-19 का मैसेज देने के लिए और क्रिसमस का मेरी क्रिसमस टू ऑल।